दोस्तों बहुत ही दुख की बात है कि हमारी आंगनबाड़ी बहन आज हम सबके बीच में नहीं है। बहुत से भाई बहनों ने मुझे इनकी फोटो वगैरह और वीडियो वगैरह पूरा मैटर भेजा है, मुझे बहुत दुख हुआ जान करके। मैं आपको बता दूं, ये बहन है, उनका वीडियो जो आप लोगों की स्क्रीन पर अभी मैं दिखाऊंगा इसी वीडियो में, उसे देख करके आपका भी मन बहुत ज़्यादा दुखी होगा। यदि आपके घर में कोई आंगनबाड़ी बहन है तो आपको बहुत ज़्यादा दुख होने वाला है, क्योंकि हम सब इतनी मेहनत करते हैं, वो भी किसके लिए, स्वास्थ्य विभाग वालों के लिए। उन्हीं के कामों में हम लगे हुए हैं, सर्विलांस टीमों में घर घर जाओ, सर्वे करो, ये दवा खिलाओ, वो करो, और जो भी बाहर से आ रहे हैं उनकी निगरानी करो, कोरोना वालों की जांच करो, जो भी बीमार है उनका जो है लिस्ट देखो, सब कुछ एक्स वाई जेड जो भी स्वास्थ्य विभागों के काम है सब हम लोगों पर सौंप दिए हैं स्वास्थ्य विभाग ने। हमारा बाल विकास विभाग भी इसमें कह रहा है कि आप भी काम करो, लेकिन यहां पर बहनें जब हमारी संक्रमित हो जाती हैं तो वही स्वास्थ्य विभाग के कर्मी इन्हीं हमारी आंगनबाड़ी बहनों को एक बेड तक अपने अस्पतालों में नहीं दे पा रहे, उनका इलाज तक नहीं करते हैं, उनको ऐसे गैलरी में बैठा देते हैं। अभी हम आपको दिखाएंगे, आपके भी आंखों से आंसू आएंगे। हम आपको बता दें, आज अगर हमारी बहन को बेड मिला होता तो आज ये हम सबके बीच में होती और आज इनकी डेथ नहीं हुई होती। उनका वीडियो कुछ दिन पहले का है, आज मेरे पास ये पहुंचा है तो मैं आपको दिखा रहा हूं। मैं आपको बताना चाहूंगा, परवेश धवन है बहन हमारी, उनकी ये जो मैटर है सहारनपुर से है, सहारनपुर जनपद है उत्तर प्रदेश का, वहां पर आंगनबाड़ी बहन के साथ फिर एक ऐसी घटना हुई है। मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें वहां के प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही है। और एक बात और याद कर लीजिए मेरी, मैं आपको साफ शब्दों में कह दूं, हम सब मेहनत करते हैं, बाल विकास विभाग के काम करते हैं और उनके कहने पर स्वास्थ्य विभाग के भी काम करते हैं, लेकिन विभाग वाले लेटर लिख देते हैं, सब कुछ होता है कि काम करो, कोई मौखिक कहता है, कोई लिखित में भी आदेश देता है, लेकिन लिखित में एक मांग और हम लोगों को सोच करके रखनी होगी, अधिकारी ये भी डिसाइड करें लेटर में लिखें कि हमारी यदि कल जो है कुछ भी होता है, हमारे साथ संक्रमित हो जाते हैं, तबीयत खराब होती है, तो जिन अस्पतालों के लिए, जिन स्वास्थ्य विभाग वालों के कामों में हम लगे हुए हैं, वो अस्पताल वाले या स्वास्थ्य विभाग वाले हमें अस्पताल में एक बेड तो कम से कम दिला ही सकते हैं, हमारा इलाज तो कर सकते हैं, तो ये कम से कम लिख करके दो कि कल को यदि आंगनबाड़ी संक्रमित होती हैं तो उनकी यहां पर उनको एक बेड दिलवाना, उनकी जो है यहां पर सेवा करवाना, या यूं कहे कि जांच करवाना हो, या उनको बेड दिला करके उनका इलाज बोल सकते हो, इलाज करवाना, इन मैटरों को लेकर के लिखित में जारी करें ताकि उनको मिल पाए। मैंने देखा है संडीला में बहन की इलाज ना मिलने के कारण, बेड ना मिलने के कारण डेथ हुई। मैंने देखा है उन्नाव में कामनी बहन की जो है डेथ, बेड नहीं मिला उसी के कारण वहां पर भी हुई। ऐसे ही आज यहां पर भी सहारनपुर में बहन को बेड नहीं मिला, अस्पताल में गैलरी में ऐसे उनको बैठा दिया गया। आप लोगों को अभी वीडियो हम दिखा रहे हैं, इसीलिए मैं समझा रहा हूं कि बेड कम से कम मिले बहनों को, ताकि उनकी यहां पर देखभाल हो सके, उनका इलाज थोड़ा बहुत हो सके, तो हमारी बहनें ऐसे जो है दम ना तोड़े। तो उम्मीद है आप लोग समझेंगे आज के इस वीडियो को। और अब देखिए आप लोग वो वीडियो जो लापरवाही का बहुत बड़ा घोतक है, ये रहा वो वीडियो सहारनपुर में अस्पताल का, जहां पर बहन भर्ती थी, अस्पताल वाले उनको बेड तक नहीं दिए, गैलरी में बैठा दिया, मुंह में ऑक्सीजन लगा दिए। अब आप खुद सोचो कितना कष्ट हुआ, उसके बाद बहन ने दम तोड़ दिया अपना। तो ये आपको हम दिखाना चाहेंगे, आप इसमें बिठाया था ना, फोटो भेज दो इनकी, हड्डियां साहब को भेज दो भाई, कोई उसमें तो जा सकता है, एचडीओ में जाके तो एचडीओ हो ना उसमें। ये कौन सा तरीका है पेशेंट को बिठाने का, पहले एक बात बताइए, ये कौन सा तरीका है पेशेंट को इस तरीके से बैठाने का? ये देखिए सर, ये कोरोना पेशेंट है, इसको वार्ड में इन्होंने शिफ्ट नहीं किया है, देखिए किस तरीके से इनको बैठा रखा है। ये मूलभूत सुविधाएं जो भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट दे रही है उसका पूरी तरीके से खंडन किया जा रहा है। ये देखिए कोरोना का इनको पॉजिटिव निकला है, और यहाँ पर पिलखनी में जो बड़ा हॉस्पिटल है उसके अंदर इनको इस तरीके से बैठाया हुआ है। किसी भी तरीके की कोई सुविधा नहीं है। देखिए तो पूरा मैटर आप समझ चुके हैं कि आंगनबाड़ी बहन जो है उनकी डेथ किस कारण हुई है, इलाज ना मिलने से, बेड ना मिलने से, गैलरी में बैठा दिया गया, प्रशासन की लापरवाही रही, ऑक्सीजन मुंह में लगा करके गैलरी में ऐसे छोड़ दिया गया। और आपको बता दें ये आज पहली बार नहीं हुआ हमारी इन बहन के साथ में, पहले भी हरदोई में हुआ, उन्नाव में भी हुआ, और भी काफ़ी जगह हुआ है, कहाँ कहाँ तक हर जगह की जानकारी भी नहीं आ पाती है। तो ऐसे में आप सबको सूचित कर रहा हूँ मैं कि आप सब भी जब भी कुछ काम करें, सर्वे वगैरह का कुछ भी, तो अधिकारी ये भी हमारा बोले, बाल विकास का भी बोले, स्वास्थ्य विभाग का भी बोले,
कि कल आप यदि संक्रमित होती हो तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपका इलाज करवाएंगे, बेड दिलवाएंगे। यदि हमारे बड़े बड़े अधिकारी निदेशालय में बैठे हैं या जो जिले पर बैठे हैं, डीपीओ हो या सीडीपीओ हो, कोई भी हो, तो ये सब पहले ये निर्धारित करें ताकि भविष्य में आंगनबाड़ी बहनों की डेथ ना हो। मैं नहीं चाहता, देखो क्लेम लेना अलग मैटर, ये यहाँ पर हमारी बहन को क्लेम मिल जाएगा, उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर जानकारियां जो भी आ रही है वो सब मैं आपको बता दूं। ये हमारे पास भाई ने भेजा है, सायमा बहन है और नरेंद्र शर्मा भाई है, और भी बहुत से भाई बहन है। मैं ये नहीं कहता सिर्फ इन दोनों लोगों की मेहनत है, बहुत से लोगों की है। तो जिन्होंने भी मेहनत की है, देखो यहाँ पर बहन को न्याय मिल जाए, उनके परिवार को, बस वही जरूरी है हमारे लिए। और मैं यही चाहता हूँ कि उनके परिवार को जल्द से जल्द जो है बीमा क्लेम मिल जाएगा। हमारे पास जानकारी भी आ चुकी है, बहुत से भाई उन्होंने जानकारियां भी मुझे भेजी हैं, लेकिन हम आपको सीधा ले चलते हैं उस फाइल की तरफ। ये फाइल बनवाई गई है, ऐसे जो है बीमा क्लेम की फाइल इनकी बन करके कल शाम को तैयार हो गई है। अब ऐसे में इनको बहुत जल्द क्लेम मिल जाएगा परिवार को, लेकिन वो साइड की बातें हैं, उससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, लेकिन हमारी बहन तो वापस नहीं आएगी। जैसे आपको मैंने उन्नाव के मैटर पर भी समझाया था कुछ महीना पहले कि आप लोग कुछ सोचो समझो, अपने हक के लिए लड़ो, नहीं लड़ोगे तो आप अपना जीवन खो दोगे, वही हमारी कामनी बहन के साथ हुआ। आज हमारी ये और बहन है, इनका नाम मैं आपको बता दूं, शायद नाम लेना भूल गया, सहारनपुर से हमारी ये बहन है और इनका नाम जो है यहाँ पर अभी दिखाई नहीं दे रहा, सॉरी एक मिनट बस इंतजार कर लीजिए, परवेश धवन के नाम से बहन है और सहारनपुर सिटी से बहन थी। तो इनका भी मैटर मेरे पास आया है और मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत से भाई बहनों ने मुझे इनका नंबर, इनके परिवार का सब कुछ कल भेजा, लेकिन कल इतने ज्यादा 700-800 मैसेजों में ये मैसेज मैंने देखा ही नहीं। आज मैंने जाकर के मैसेज वो पढ़े हैं कल वाले, क्योंकि इतने ज्यादा मैसेज डेली आ जाते हैं तो पढ़ना असंभव हो जाता है एक ही दिन में। तो आपको बता दें, देख लीजिए यहाँ पर बहनों ने बहुत कुछ कहा है। सुधांशु भाई नमस्ते, आप इस खबर को दिखाइए और सभी बहनों से हाथ जोड़ करके विनती है कि खबर को शेयर भी करें। योगी सरकार से काम वगैरह जो लिया जा रहा है, सुविधा नहीं दी जा रही है। तो बता दें, वही सरकारें जुमलेबाज सत्ता में बैठी हैं, पहले आई, वादा किया, वादा खिलाफी की, आज हम लोगों के लिए सुरक्षा तक नहीं दे पा रही है योगी आदित्यनाथ सरकार। पैसा तो दूर की बात है, हम लोगों का मानदेय रोक रोक करके रखे हैं, हर एक जनपद में रुका हुआ है, और तो और यहाँ पर हर राज्यों की बात कर लो, राज्यों में भी रुका हुआ है, दो दो तीन तीन माह का वेतन रुका है। अब कैसे कहें, ये सरकारें बस रात दिन कोल्लू के बैल की तरह काम करवा रही हैं आंगनबाड़ी वर्कर से, सर्वे का काम हो, सर्विलांस वाली ड्यूटियों पर काम हो, कोरोना वगैरह का सर्वे का काम हो, हर एक काम। ये देखिए ड्यूटी लेटर बनवाए गए हैं, ऐसे फाइल तैयार है, बहुत सारे लेटर इसमें हैं, 5 जुलाई का है, 6 जुलाई का है, ऐसे बहुत से लेटर हैं, 24 अगस्त का है, ऐसे बहुत से लेटर जो भी जब जब सहारनपुर में निकले हैं, ताकि इससे यह साबित हो कि आंगनबाड़ी बहन की ड्यूटी लगी। तो ड्यूटी तो सभी की लगी है, कहीं लिखित में आदेश जारी होते हैं, कहीं पर नहीं, लेकिन जब बीमा क्लेम की बात आती है तो लिखित में आदेश ऐसे ही चाहिए होते हैं फाइल बनवाने के लिए, ताकि साबित हो कि आंगनबाड़ी बहन संक्रमित हुई थी, उसके दौरान मौत हुई। लेकिन संक्रमित होना एक अलग है, संक्रमित हुई थी तो लोग ठीक भी तो हो रहे हैं, 75% से ज्यादा रिकवरी रेट है, लोगों का ठीक होना सुनाई देता है। आंगनबाड़ी बहनें जब संक्रमित होती हैं तो उनका ठीक होना क्यों नहीं सुनाई देता? मैंने देखा जहां जहां आंगनबाड़ी बहनें संक्रमित हुई हैं उनकी डेथ ही हुई है, वो ठीक क्यों नहीं होती हैं? ये एक अपने आप में सवाल है। कारण है, इसका जवाब मैं देता हूं, विभागों की लापरवाही, हमारे अधिकारी बाल विकास के और हमारे जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी जो अधिकारी, इन सबकी लापरवाही, ऊपर से हमारी जुमलेबाज पार्टी सरकारों की, इनको अपने चुनाव की पड़ी रहती है, इनको वाहवाहियों की पड़ी रहती है, इनको ये नहीं पता कि जमीनी स्तर पर जो काम कर रही है सर्वे का, उनके साथ क्या हो रहा है, वो संक्रमित हो रही है, उनको बेड तक नहीं मिल रहा है, जो स्वास्थ्य विभागों के काम में ही लगी हैं उन्हीं को बेड नहीं दे पा रहे हैं। वाह भाई वाह, कैसी सरकारें हैं। और ऐसे में बाद में लेटर बनते हैं, तो फिलहाल के जिन अधिकारियों ने लेटर बनाए हैं बाद में इनके 50 लाख के बीमा कवर को लेकर के, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कम से कम उनके परिवार को आर्थिक स्थिति से मजबूत कर दिया। बहुत सी जगह तो इसके लिए भी बहनें हमारी वंचित हो जाती हैं। अब आगे बता दें, इन सब चीजों को लेकर के ये हमारे पास एक और मैसेज लगा हुआ है, कोशिश करो 50 लाख का बीमा उसके परिवार को निश्चित रूप से मिले। तो यहां पर हमारी बहन है और सायमा जमीर बहन आंगनबाड़ी वर्कर यूनियन की तरफ से, आप देख सकते हो उनका भी यहां पर मैसेज उसी में लगा है, उनको इन्होंने भेजा था। दीदी उनका कहना, इसमें आपकी भूमिका अहम थी जो आपने निभा दी, कल मोबाइल डिस्चार्ज हो गया था। तो ये बहन है वहां की, अनीता सोनकर जी, डॉक्टर लिखा हुआ। तो हम आपको बता दें, ऐसे बहुत सी बहनें हैं, बहन ने लिखा भी है, सायमा बहन ने अपने ग्रुप में, कि जो है सहारनपुर की बहन की फाइल बनाई गई है, जल्दी कवर बीमा वगैरह भी उनको मिल जाएगा। डॉक्टर अनीता सोनकर, सीडीपीओ सिटी, डीपीओ श्रीमती आशा त्रिपाठी, इनके द्वारा अथक प्रयास किया जा रहा है, फाइल बन गई है, उम्मीद है शीघ्र आंगनबाड़ी कार्यकर्ता शहर सहारनपुर की बहन के परिवार को 50 लाख का बीमा कवर शीघ्र मिलने की उम्मीद है, ऐसा बहन का कहना। तो देखो मिल जाएगा, बहुत अच्छी बात है, आप सबके जितने लोगों ने प्रयास किया होगा सबको बहुत बहुत ऑल इंडिया धन्यवाद देता है। मैं चाहता हूं कि आप सब भाई बहन, ये बीमा कवर तो चलता रहता है, अच्छा है कि इनके लिए भी, जो भी किसी के साथ कुछ गलत हो जाता है उनके लिए भी आप सब तैयार रहें, बाकी इसके लिए भी आप सब भाई बहनों आपको तैयार होना पड़ेगा कि हम सब यदि ड्यूटी कर रहे हैं तो अधिकारी हमारा ये भी गारंटी ले कि हमें अस्पताल में बेड वो दिलवाएगा, सुरक्षा दिलवाएगा, इलाज हमारा करवाएगा, ये भी हो। ऐसा ना हो कि ऐसे गैलरी में इन बहन की तरह बैठा दो और
मुंह में जो है ऑक्सीजन लगवा दो बस हो गया, ऐसे कैसे चलेगा। हम रात दिन मेहनत कर रहे हैं, स्वास्थ्य विभागों के काम कर रहे हैं, अपना विभाग का भी काम कर रहे हैं, कोल्हू के बैल की तरह लगे हुए हैं, लेकिन हमें जब संक्रमित होने की बात आती है तो कोई हमारी तरफ ध्यान नहीं देता, और कैसे ये चलेगा। तो हमारे अधिकारी अपना इस पर भी एक लिखित बयान दे, ये मैं चाहता हूं, और ये आप लोगों के हक के लिए है, और उम्मीद ये भी है कि आप सब इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सकेगा शेयर करोगे अपने अपने राज्यों में। इस मैटर को अपने राज्य से रिलेटेड करके मत देखिए, हमारे जिले का, हमारे राज्य का है तो हम ही शेयर करें, हर जगह शेयर करो, क्योंकि आंगनबाड़ी बहनों के सामने समस्याएं इस तरह की तो हर जगह है, कोरोना संक्रमण हर जगह है, और सुविधा कहीं नहीं मिल रही है, सुरक्षा का इंतजाम किसी सरकारों ने नहीं किया है, मौखिक रूप से किया है, आदेश निकले हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर उनको मिलता कुछ नहीं है। मास्क, सैनिटाइजर, ग्लव्स के लिए पैसा निदेशालय से जारी हुआ था, मिला वो भी नहीं, तमाम तरह के पैसे बकाया रहते हैं, हमारा हक का जो पैसा है मानदेय वही सरकार विभाग वाले नहीं भेज पा रहे हैं, भवन किराया अलग से बहनों का बकाया वो नहीं आ रहा है, सब अपनी जेब से भर रही है इस विभाग के लिए, और फिर भी काम कर रही है, संक्रमित हो रही है, जान गंवा रही है, उसका कोई मोल नहीं है यहाँ पे। तो हम यही समझाना चाहते हैं जिनके लिए इन बहन ने अपनी रात दिन की मेहनत एक कर दी है, रात दिन सर्वे काम किया है, गांव गांव घूमी है, लोगों को बचाया है, जागरूक किया है, और आज वो संक्रमित हुई थी तो उनको अस्पताल वालों ने किस तरह बिठाया, कैसे उनके साथ बर्ताव किया, और तो हमारी बहन आज हम सबके बीच में नहीं है। अब मुझे बहुत दुख है इस बात का, लेकिन मिलेंगे आपको फिर हम अगले वीडियो में अगली खबरों के साथ में, इसे आप सब शेयर करना, ये मैंने दोबारा